अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप दुबई इस्लामिक बैंक से कर्ज ले सकते हैं, अगर आप किसी भी घरेलू ज़रूरियात की वजह से या आप किसी का इलाज करवाना चाहते हैं तो उस वजह से अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से जो है इससे कर्ज़ ले सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कितना कर्ज जो है आपको मिल सकता है, कितने सालों के लिए कि आपने ये रकम कितने सालों में अदा करनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इसके फीचर्स हैं कि इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो इसमें आपको जो रकम मिलेगी वो 50,000 से लेकर 20 लाख तक आपको रकम मिल सकती है कर्ज़ के तौर पर। और इसके लिए जो आपका टेन्योर होगा कि मतलब कि आपने कितने सालों में ये रकम जो है वापस करनी है, तो उसके लिए है 6 माह से लेकर 5 साल तक आपने ये रकम वापस करनी है एक साथ के तौर पर, मतलब कि किस्तों में आपने ये रकम अदा करनी है वापस। और इसके लिए जो उम्र की हद है वो 21 से लेकर 60 साल तक जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो ज़्यादा वाले हैं या इससे कम 21 से 60 तो वो जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए जो लोग महाना तनख्वाहदार लोग हैं, सैलरीड इंडिविजुअल हैं, मतलब के उनकी महाना जो है तनख्वाह आती है किसी भी अदारे से, कोई उनकी जॉब है आर्मी में है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में है या उनकी किसी कंपनी में जॉब है, तो वो लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फैसिलिटी है सहूलत वो कौन कौन से शहरों में, उसमें जो है सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ, साउथ और साउथ पंजाब के जो शहर हैं, भरवाला, एबटाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, जेलम, सियालकोट, सरगोधा, सक्खर, पिशावर, हरिपुर, चकवाल, कसूर, गुजरात, जंग, टोबा टैक्सिंग। तो ये सारे लोग जो हैं इन शहरों वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है इनकम के क्राइटेरिया जो है, मतलब कि आपकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए महाना इनकम, तो उसके लिए जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। पहले नंबर पे है जो सैलरीड प्राइम कस्टमर्स हैं, मतलब कि उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है पहले से वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और उनकी जो है महाना तनख्वाह जो है वो 2,50,000 होनी चाहिए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके अहल हैं। और उसके बाद अगर कोई लोग कंपनियों में जॉब्स करते हैं तो उनकी जो है महाना तनख्वाह वो 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी भी जो है 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में है, मतलब कि आर्मी में है, पाक एयर फोर्स, नेवी या इस तरह जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें अगर कोई जॉब करता है तो उसकी जो है 30,000 पर मंथ होनी चाहिए। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं कंपनीज में तो उनकी जो है महाना तनख्वाह वो 40,000 पर मंथ होनी चाहिए। तो ये लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो फाइनेंस लिमिट है, मतलब कि आपको कितनी रकम मिल सकती है, तो उसके लिए है 50,000 से 20 लाख तक आपको रकम मिल सकती है। और उसके बाद इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी तो उसमें है एप्लीकेशन फॉर्म, जो मतलब कि दुबई इस्लामिक बैंक की तरफ से आपको मिलेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए और फिल्ड होना चाहिए, मतलब कि पूरा आपने उसको फिल किया हो। और उसके बाद है कि आपकी जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए और शिनाख्ती कार्ड की एक कापी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात जो हैं, इनकम डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट, प्रोफेशन प्रूफ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास होना ज़रूरी हैं, तो उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जो है इनके यहाँ पे दिए गए नंबर पर कॉल करके मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट में यहाँ पे भी नंबर दिया गया है उनका। और उसके बाद उनकी जो ब्रांच है वो आप अपने करीब तरीन ब्रांच लोकेट कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइंड अ ब्रांच यहाँ पे क्लिक करके आप उनकी जो आपके करीब तरीन ब्रांच है उसको ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इसके लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है इसका फॉर्म आ जाएगा। इसको आपने फिल करना है, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और उसके बाद अपना शहर, शिनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, इसको सबमिट करने के बाद आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो उसको आपने फिल करना है। इसके अलावा आप इसकी जो करीब तरीन आपके ब्रांच है वहाँ पर जाकर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच रहे हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।